देखो, अब तक अभी तक जो हमने तुम लोगों से बात किया था उसमें देखा था कि प्लेटो ने किस प्रकार से दो दुनिया की बात करता है। एक वह दुनिया जहाँ नियम रहते हैं, और यह एक दुनिया वह जहाँ नियमों से जो वस्तुएं बनती हैं वो वस्तुओं की दुनिया। तो एक तो इहलोक की बात करता है और दूसरी तो वो बात करता है परलोक की। परलोक का मतलब प्रत्यलोक की बात कर रहा है, इस देश काल से बाहरी दुनिया की बात करता है, उस प्रत्यलोक की बात करता है जहां पे पढ़ते आइडिया रहते हैं प्रत्यलोक। समस्या यह थी कि पूछा गया कि जब वस्तुएं इस दुनिया में रहती हैं, नियम इस दुनिया में रहते हैं, तो जुड़ते कैसे हैं दूसरे के साथ। उसने कहा कि देखिए, आपकी जो आत्मा है वो प्रत्यलोक में रहती है, वहां पे प्रत्यय का आइडिया उनके पास रहता है। जब वो जन्म के समय मनुष्य के अंदर आता है तो अपने साथ जन्मजात प्रत्ययों का ज्ञान लेकर के आता है, और ज्ञान तभी ये उत्पन्न होता है जब परिस्थितियां आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस बनते हैं तो ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है आपको। मतलब आप में ऑलरेडी क्षमता है कि आप विज्ञान का ज्ञान ले सकते हो, आप इतिहास का ज्ञान ले सकते हो, आप सभी चीजों का ज्ञान, मैं गणित का ज्ञान है, गणित का ज्ञान आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में ये क्षमता है, ये जन्मजात प्रत्यय है, जन्मजात प्रत्यय के पास ये क्षमता होती है। लेकिन समस्या ये उठी कि भाई इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मान लो प्रत्येक लोक में दुनिया में आइडिया मनुष्य का है तो मनुष्यत्व का आइडिया तो एक होगा, लेकिन जब हम इस लोक में बात करते हैं तो मनुष्य की प्रकार तो अलग अलग है, मनुष्य तो अलग अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, मोटा है, पतला है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मनुष्य है। तो मनुष्यत्व का आइडिया एक, और इससे बनने वाले वस्तुओं की संख्या कितनी है? असंख्य है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उसी में से हम लोगों ने कुछ देखा था, जैसे सहभागिता का सिद्धांत था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सहभागिता सिद्धांत के साथ भी समस्या है, जिसको हम पार्टिसिपेशन थ्योरी कहते हैं। तो सहभागिता का जो सिद्धांत है उसके साथ भी समस्या है, क्योंकि एक बात बताओ, इसमें इसने कहा कि पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब आंशिक सहभागिता की बात करता है। एक बात मुझे बताओ, प्रत्यय का स्वरूप कैसा हमने बताया था? हमने कहा था कि जो प्रत्यय है उसका जो स्वरूप है वो निरवयव है, ठीक है? तो प्रत्यय का स्वरूप निरवयव है, प्रत्यय का स्वरूप सरल है, प्रत्यय अनश्वर है, लेकिन सहभागिता सिद्धांत में प्रत्यय क्या करता है? सावयव हो जाता है। जब हम सहभागिता सिद्धांत देखते हैं तो उसमें प्रत्यय सावयव हो जाता है, जटिल हो जाता है और नश्वर हो जाता है। तो फिर तो प्रत्यय का खत्म कहानी, क्योंकि आपने तो कहा था कि प्रत्यय तो निरवयव है, आपने कहा कि प्रत्यय सरल है, अनश्वर है, लेकिन जब वो पार्टिसिपेशन कर रहा है, जब सहभागिता कर रहा है आंशिक रूप से, तो समस्या तो ये होगी ना कि फिर तो वो जटिल हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में मिक्स करने लगेगा, फिर वो निरवयव तो रहेगा नहीं, और निरवयव नहीं रहेगा, जटिल हो जाएगा, तो फिर तो वो नश्वर भी हो जाएगा। तो खुद आपने जब ये कहा कि आइडिया जो है उस निरवयव है, सरल है, अनश्वर है, तो ये तो तीनों इसका खंडित हो रहा है। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई सहभागिता सिद्धांत में, ये समस्या आ गई। अब देखो इस समस्या का समाधान कैसे प्लेटो करता है। थोड़ा तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि पता चल सके आप लोगों को। तो जब यह समस्या उत्पन्न हुई तो इस समस्या के समाधान में फिर इसने कहा कि देखो, इसने एक बात कहा कि अब हम पूर्ण सहभागिता की बात करते हैं। पूर्ण सहभागिता कहता है कि अच्छा चलो एक बार बता दो, क्यों ना हम ऐसा मान ले कि प्रत्यय का कोई हिस्सा न माने, क्योंकि प्रत्यय का हिस्सा मानेंगे क्योंकि तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, उसको फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन तो वो सरल है और सरल चीजें कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं होता। कहता है कि कोई हिस्सा न माने,
मान लो हम उसको पूर्ण हिस्सा ही मान ले, कंप्लीट मान ले, क्योंकि प्रत्यय को हिस्सा मानने पर असंगतता आ रही है। जब हम कह रहे हैं कि वो निरावयव है, जब उसको हम पार्ट मानते हैं, हिस्सा मानेंगे उसका, तभी तो समस्या उत्पन्न हो रही है ना, क्योंकि निरावयव चीज सावयव हो जा रही है और सावयव होने के कारण जटिलता हो जाएगी, और जटिलता हो जाएगी तो फिर नश्वरता आ जाएगी। यानी जब हम उसको पार्ट में मानते हैं तो समस्या आ रही है, तो क्यों ना हम उसको पूरा का पूरा मान ले, हम उसको आंशिक माने ही नहीं, हम कहें कि पूर्ण सहभागिता है। बताओ, प्रत्यय का कोई अवयव नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा प्रत्यय ही वस्तु में चला जाता है। ध्यान से समझना, प्रत्यय का कोई अवयव नहीं होता, जैसे पार्शियल पार्टिसिपेशन में देखा था, उसमें देखा कि जुड़ रहा है, आधा पार्टी जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि पूर्ण सहभागिता, पूरा का पूरा प्रत्यय वस्तु में चला जाए। तो एक बात बताऊं, एक आइडिया पूरा का पूरा चला जाएगा क्योंकि उसमें कोई हिस्सा नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वस्तु पूरी प्रत्यय में सहभागिता करती है, वस्तु पूरी प्रत्यय में सहभागिता करती है, यानी प्रत्यय का कोई भाग नहीं होगा, कोई अंश नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि समस्या खत्म हो गया। अब देखो, यहां एक और नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और नई समस्या क्या उत्पन्न होगी उसको समझो। यहां पे फिर एक समस्या आ जाएगी, जिस समस्या से बचने के लिए इसने पूर्ण सहभागिता का कॉन्सेप्ट लेके आया, वहां पर एक समस्या आएगी कि एक आइडिया से किसी वस्तु में सहभागिता करा दोगे तो उसे एक वस्तु बनेगी। मान लो एक आइडिया है मनुष्यत्व का, उसको एक मनुष्य बनाने में उसकी पूरी आइडिया को सहभागिता बना दोगे, जो पूर्ण सहभागिता की बात आप कर रहे हो, तो एक वस्तु बनेगी। लेकिन दुनिया में तो असंख्य वस्तुएं दिखती हैं भाई। जब मनुष्यत्व का एक आइडिया, एक मनुष्यत्व का आइडिया एक मनुष्य को बनाने में लगेगी, तो इतने सारे मनुष्य फिर कहां से आ गए, क्योंकि आइडिया तो एक ही है मनुष्यत्व। तब पूर्ण सहभागिता में भी समस्या, क्योंकि जब वस्तु आपने एक बनाया, उसमें पूरी की पूरी सहभागिता करा दी आपने प्रत्यय का, आइडिया का, तो फिर तो मनुष्य तो हमें असंख्य दिख रहे हैं, अलग अलग मनुष्य हमें दिख रहे हैं। एक गाय बनाना था, गौतत्व आपने लिया, उससे कहा कि एक गाय बनाते हैं, इस गाय में उसकी संपूर्ण सहभागिता करा देते, तो भैया एक ही गाय होनी चाहिए थी ना, गाय तो असंख्य है, तो फिर इसकी व्याख्या कैसे करोगे। तो ये समस्या पूर्ण सहभागिता में उत्पन्न हो गया। अपूर्ण पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या हुआ था, आंशिक सहभागिता में क्या समस्या था, आंशिक सहभागिता में यह समस्या था कि मान लीजिए आप आंशिक रूप से पार्टिसिपेट, तो एक तो पार्ट जा रहा है ना भाई, और जब चीजों में पार्ट पार्ट में जुड़ेंगी तो क्या होगा, वो जटिल हो जाएगा, जटिल वस्तुएं नश्वर हो जाती हैं। तो आपने जो क्वालिटी बताई थी, या आपने जो एट्रीब्यूट्स बताया था प्रत्यय का, कि प्रत्यय निरावयव होता है, प्रत्यय सरल होता है, प्रत्यय अनश्वर होता है, तो फिर तो खंडित हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए फिर पूर्ण सहभागिता की बात की, पूर्ण सहभागिता माने तो तुमने कहा कि देखो पार्ट में नहीं मानते हैं हम, पूरी की पूरी आइडिया को वस्तु में समाहित कर रहे हैं, पूरी वस्तु एक आइडिया में चला जाएगा, तो भाई एक वस्तु बनना चाहिए फिर, तो फिर हमें असंख्य वस्तुएं क्यों दुनिया में दिखती है, जब मनुष्यत्व का एक आइडिया, एक ही मनुष्यत्व के आइडिया से मनुष्य एक बनेगा, तो भी मनुष्य तो असंख्य हमें दिखते हैं ना। गौतत्व का एक आइडिया है, उसे एक गाय में यदि सम्मिलित हो जाए, तो फिर इतने सारे गौतत्व कहां, गाय कहां से आ रही है, ये असंगता की व्याख्या आप कैसे करोगे। तो समस्या ये है कि एक प्रत्यय पूरी तरह से एक वस्तु में समाहित हो जाए, साथ में आ जाए, तो पार्टिसिपेशन कर पाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एक प्रत्यय से एक ही वस्तु बनेगी, तो इसकी व्याख्या संभव होगी, यानी जो प्रत्यय है वही वस्तु है, और प्रत्यय वस्तु में कोई फिर भेद नहीं रहेगा, एक ही वस्तु है, एक ही आइडिया, उसे सारा समाहित हो गया, तो जो वस्तु है वही प्रत्यय हो गया, जो प्रत्यय वो वस्तु हो गया। इसलिए ये जो दूसरा प्रयास इसका था पूर्ण सहभागिता का, ये सही है। प्लेटो चाहता था कि सहभागिता करके ऑब्जेक्ट और आइडिया के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करता है प्लेटो, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लेटो उसे सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आइडिया और ऑब्जेक्ट के बीच में जो सहभागिता का जो सिद्धांत है, सहभागिता बनाने की जो उसने कोशिश की, उसका कोई मॉडल नहीं सही है,
जो भी मॉडल लेकर आया वो मॉडल उसका गलत, उसमें समस्या निकल रही है ना। आंशिक पार्टिसिपेशन देखे तो आइडिया नश्वर हो जाएगी, और यदि पूर्ण पार्टिसिपेशन देखोगे तो फिर केवल वस्तु एक ही बननी चाहिए, असंग वस्तुओं की व्याख्या नहीं कर पाओगे। तो प्लेटो जो कोशिश करना को कोशिश किया ऑब्जेक्ट और आइडिया को लेकर के, वो सफल नहीं हो पाया। इसीलिए यहाँ पे एक और सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्रतिलिपि सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं कॉपी थ्योरी। प्रतिलिपि सिद्धांत, कॉपी थ्योरी, सहभागिता सिद्धांत देख लिए, आंशिक सहभागिता भी देख लिए, पूर्ण सहभागिता भी देख ली। अब तुमसे मान लो कोई पूछे या सवाल इस तरह से, कभी क्लास में मैं ही पूछूं या एग्जाम में इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाए, तो सहभागिता में बता दोगे कि भाई जब पूर्ण सहभागिता, अपूर्ण सहभागिता मतलब आंशिक सहभागिता हम करते हैं, तो वस्तुएं में फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएंगी कि वो सावयव रहेगा ही निरावयव रहेगा ही, सावयव हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, नश्वरता हो जाएगा वो, जबकि प्लेट आइडिया का गुण है अनश्वरता, अनश्वरता तो बचेगी नहीं, नश्वर हो जाएगा वो। और यदि हम पूर्ण सहभागिता कर देंगे तो एक वस्तु एक आइडिया, तो फिर असंख्य की व्याख्या हम कैसे कर पाएंगे। तो फिर इसने कहा कि देखो एक थ्योरी है वो है कॉपी थ्योरी, हम कहते हैं प्रतिलिपि सिद्धांत, यानी आइडिया एक इकाई है और उसी मूल इकाई से हम क्या बना सकते हैं, ढेर सारी कॉपी। फोटो स्टेट मशीन देखे हो ना, देखे होगे कभी ना कभी, फोटो कॉपी तो कराए ही होगे, सारे नोट्स करवाते ही होगे। अब मान लो फोटो कॉपी मशीन में जाते हो तो तुम्हारे पास नोट्स एक होता है, मान लो मैंने फिलोसफी की कोई नोट्स दे दी और तुम नोट्स लगाए मशीन में, दी बोले भैया कॉपी कर दो, उसकी जितनी कॉपी करवाते उतना कॉपी करे नहीं, रियलिटी में क्या है यही ना फोटो कॉपी में, कि हमने दिया और जो इतनी कॉपी हमें चाहिए तो उतनी कॉपी हमने निकाल लिया। अब एक बात बताओ, जब तुमने फोटो कॉपी मतलब प्रतिलिपि सिद्धांत की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास एक आइडिया है, ठीक है, ध्यान से समझना, तुम्हारे पास आइडिया कितनी है, एक है, और उसे निकाल कितने रहे हो, असंख्य वस्तुएं। यदि एक नोट्स मैंने दे दिया 50 स्टूडेंट को बांटना है, प्रिंट मरवा लिए, प्रिंट कर दो भैया, 10 कॉपी निकाल ली, 15 कॉपी निकाल ली। तो इसी तरह से इसने कहा कि एक आइडिया उसे असंख्य वस्तुएं बनती है, लेकिन ये बात तक संगत नहीं है। क्यों तक संगत नहीं है, अब देखो यहां भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और यहां जो समस्या उत्पन्न होगी वो समस्या यह उत्पन्न होगी कि जब आप प्रतिलिपि की बात करो, मैं कलर चेंज कर दूं, जब आप प्रतिलिपि की बात करते हो तो प्रतिलिपि में समस्या होगा, कॉपी किए आपने असंख्य चीजें की कॉपी कर ली, अपने असंख्य चीजों की कॉपी करके मंगवा लिया, लेकिन एक बात बताना, देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना, यहाँ पे बहुत आसान है, ऐसे किताबी भाषा पे जाओगे तो बहुत क्लिष्ट हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं जितना आसानी से आसान भाषा में इसको कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। अब प्रतिलिपि में सिंपल लाइक कॉपी जैसा मशीन, फोटो कॉपी, आपने असंख्य चीजें थी, जितनी जनरेट करना था आपने जनरेट किया। एक बात बताओ, जो कॉपी चीजें हैं और उससे तुमने जनरेट किया, ठीक, तो कॉपी किसका कर रहे हो, कोई आइडिया है उसकी, बहुत सारी जनरेशन हो रही है। यदि एक जैसी वस्तुएं बहुत सारी वस्तुओं में परिवर्तित हो रही हैं, तो एक बात मुझे बताना, वस्तु जो है वो क्या है, कॉपी है या इमेज है, किसका, आइडिया का, फोटोकॉपी कर रहे हो ना भाई, तुमने फोटोकॉपी आइडिया लगाया, जैसा आइडिया रहा वैसा वस्तुएं बनी, तो यानी ढेर सारे इमेजेस क्रिएट होगा एक चीज के, जो यदि तुम इमेज बनाओगे, अब इमेज तुम्हारे पास एक ही है, उसी का ना फोटोकॉपी कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि एक इमेज से ढेर सारी असंख्य इमेजेस तुम तैयार कर रहे हो, यानी ढेर सारे तुम्हारे क्या हो रहे हैं, इमेज जो है वो आइडिया ने क्रिएट किया है। अब एक बात बताना, वो आइडिया निर्भर है, इमेज किस पे निर्भर है, इमेज पे, जैसे जो इमेज होगा फोटोकॉपी मशीन में जो डालोगे, जो पिक्चर्स डालोगे, उसी पे डिपेंड करेगा ना, जैसा फोटोकॉपी मशीन में नोट्स लगाओगे वैसी प्रिंट आएगी, यदि धुंधला नोट्स है तो धुंधला ही प्रिंट होगा, यदि क्लियर क्रिस्टल क्लियर है तो क्लियर प्रिंट होगा। तो उसको यहाँ पे एक चीज समझाना पड़ेगा,
प्लेटो कहना चाहता है कि देखो, जिन चीजों को तुम ऑब्जेक्ट कहते हो, ध्यान समझना, जिन चीजों को तुम ऑब्जेक्ट मान रहे हो उनमें अमूर्त प्रत्ययों का क्या हो रहा है? प्रकटीकरण हो रहा है। क्योंकि अमूर्त प्रत्यय है कौन? आइडिया। आइडिया का प्रतिकरण हो रहा वस्तुओं के रूप में। यानी वो कहना चाह रहा है कि प्रत्यय एक मूल नियम है, एक फंडामेंटल रूल है, और उसी नियम का प्रतिकरण जो हो रहा है वो ढेर सारे वस्तुओं के रूप में, बहुत सारे छाया के रूप में हो रहा है, बहुत सारे वस्तुओं के रूप में हो रहा है। क्योंकि एक प्रतिलिपि है, एक मशीन में तुमने एक आइडिया डाला, मतलब ऐसे मैं ले मैं समझा रहा हूं कि जेरोक्स मशीन को दिमाग में रखना, जो फोटो स्टेट वही हो रही है, एक ही नोट्स है, हिस्ट्री का नोट्स है तो हिस्ट्री का नोट्स निकलेगा, ज्योग्राफी का नोट्स है तो ज्योग्राफी का नोट्स निकलेगा, फिलोसफी का नोट्स है तो फिलोसफी का नोट्स निकलेगा। मतलब तुम्हारा नोट्स तो एक ही है, उसे जितने मल्टीपल कॉपीज तुम बना रहे हो। यानी एक पहाड़ का आइडिया अपने को प्रकट कर सकता है ढेर सारे पहाड़ के रूप में, ठीक है। तो अब बताओ, ये भौतिक पर जो फिजिकल जो माउंटेन है वो क्या है? एक तरह से छाया है, इमेज है, किसका? पहाड़ की आइडिया का, है ना। मान लो पहाड़ है कहीं पे, तो पहाड़ का एक आइडिया हो गया। अब अरावली की बात कर लो, विंध्य पर्वत की बात कर लो, हिमालय की बात कर लो, ये सारे क्या है? उस पहाड़ के क्या है? आइडिया का छाया है, प्रतिकॉपी है, असंख्य चीजें बन रही है। लेकिन पहाड़ का आइडिया कितना है? पहाड़ का आइडिया तो एक ही है ना, पहाड़ तो अलग अलग बन रहे हैं वस्तुएं। क्योंकि प्रॉब्लम तो यही थी ना कि जब आप पूर्ण पार्टिसिपेशन की बात करते हो तो एक आइडिया से एक वस्तु में यदि पूरी तरह समाहित कर दिए तो जो असंख्य वस्तुएं बने उसकी व्याख्या कैसे करोगे? उसने कहा कि प्रतिलिपि सिद्धांत में देखो, एक वस्तु है, एक आइडिया है और उससे असंख्य वस्तुएं बन रही हैं। जैसे तुमने एक फोटोकॉपी मशीन में एक नोट्स डाल दिया और उसे मल्टीपल कॉपीज तुमने प्रिंट करवा लिए, तो नोट्स तो तुम्हारे पास एक ही था, मतलब ओरिजिनल जो तुम्हारा आइडिया है वो एक ही था, लेकिन उससे वस्तुएं कितनी बन गई? असंख्य बन गई। लेकिन ये बात भी तक संगत नहीं है। अब तक संगत नहीं है उसका देखो क्या समस्या, उसका समस्या यह है, यदि हम इसको मान ले कि चलो सपोज करो इमेज उत्पन्न, मान लो तुमने कोई वस्तु बनाई, वस्तु जब तुमने बनाया तो वस्तु नष्ट होगी, वस्तु तो नष्ट होती है लेकिन उसको बनाने वाला आइडिया तो नष्ट नहीं होगा। तुमने एक आइडिया लगाया, उस आइडिया से तो तुमने बहुत सारे वस्तुएं बना ली, तो वस्तु तो नश्वर हो सकती है लेकिन आइडिया तो नश्वर नहीं होगा। अब एक बात समझना, प्लेटो यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता है। प्लेटो कहना चाहता है कि देखो, प्रत्यय का, यदि तुम प्रत्यय को मूल नियम मानते हो, नियम मान लो, तो जब इस नियम से जड़ पदार्थ लगाएंगे तो ढेर सारे असंख्य कॉपी बनेगी, वस्तुएं बन जाएंगी। यानी प्लेटो का जो कॉपी थ्योरी है, से प्रत्यय क्या होगा? वस्तु के नियम को समझाने की कोशिश करता है, और प्रत्यय मूल नियम है, और इसी मूल नियम के प्रकटीकरण होता है वस्तुओं, असंख्य वस्तुओं के रूप में, यानी सारी वस्तुओं के रूप में। यानी एक मूल नियम, उसका प्रकटीकरण अनेक वस्तुओं में। तो कहा हमने कि यहां समस्या उत्पन्न होती है, तो समस्या क्या होगी भाई? अब बताओ, आइडिया कितना है? एक है। यदि इस प्रत्यय का स्पष्टीकरण करोगे, प्रकटीकरण करोगे, तो फिर बनने वाली सारी वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। अरे मान लो फोटोस्टेट मशीन है, उसमें तुमने नोट्स डाला, तो उससे चाहे 50 कॉपी निकाल लो, चाहे 100 कॉपी निकाल लो, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एगो में फिलोसफी का नोट्स का तुम फोटो कॉपी करो, एक पन्ना में फिलोसफी का आएगा, दूसरे पन्ने में हिस्ट्री आएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। फोटो कॉपी करोगे तो सब में तो समान आएगा, इक्वल आना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि भाई एक बात बताओ, जब आइडिया एक है और वस्तुएं कह रहे हो कि इसी आइडिया का फोटो कॉपी है, तो वस्तुएं तो हमें विभिन्न दिखती हैं, विविधताएं हैं वस्तुओं में। यदि मनुष्यत्व का एक आइडिया है तो सारे मनुष्य एक जैसा होना चाहिए। हमारा कलर, हमारा नाक मुंह का बनावट, किसी और का नाक मुंह का बनावट सब अलग अलग, लेकिन सब है तो मनुष्यत्व। जब गाय का आइडिया एक है तो सारे गाय एक ही तरह की होनी चाहिए थी,
ये तो नहीं होता। हम फोटोकॉपी कर रहे हैं तो फोटोकॉपी में जैसा आइडिया होगा जितनी कॉपी बनाएंगे वो सही तो दिखना चाहिए ना, अलग अलग क्यों दिख रहा है, यहां फंस जाते। यानी विविधता की व्याख्या कैसे करोगे जब तुम कह रहे हो कि कॉपी थ्योरी के थ्रू आइडिया से असंख्य वस्तुएं बनती हैं। तो आइडिया जब एक है तो वस्तुएं भी तो एक होनी चाहिए, अलग अलग वस्तुएं कैसे होंगी। एक को ज्योग्राफी का नोट्स निकल जाएगा, एक को पॉलिटी का नोट्स निकल जाएगा, एक को फिलोसफी का नोट्स निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब हमने फोटोकॉपी वाले मशीन वाले को फिलोसफी का नोट्स दिया है तो सबके लिए फिलोसफी का नोट्स आना चाहिए। तो नोट्स तो बदल जा रहा है, आ तो रहा है नोट्स, लेकिन तुम्हारे में मैटर कुछ और आ जाए, उसमें किसी और का मैटर आ जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये फोटोकॉपी होता है सेम होना चाहिए, जब सांचा सबका सेम है तो वस्तु भी तो सेम ही बननी चाहिए ना। लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है, मनुष्य में तो हमें विभिन्नताएं दिखती हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। पहाड़ का जब आइडिया तो ऐसा थोड़ी ना कि जिस हाइट और साइज में अरावली है उसी में विंध्य पर्वत है शिवालिक भी मिलेगा तुम्हें, उसी रूप में तुम्हें एंडीज और अलब्रूज भी मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। पहाड़ का आइडिया जब सेम है तो सारे पहाड़ एक जैसे होने चाहिए, मनुष्य का आइडिया सेम है तो सारे मनुष्य एक जैसे होने चाहिए, गौतत्व का आइडिया एक है तो सारे गांव गाय जो है जो अलग अलग क्यों है, एक ही होने चाहिए। यानी इमेज जब प्रत्यय एक प्रत्यय की सारी इमेजेस एक होनी चाहिए और एक जैसी होनी ही चाहिए लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। एक बात बताओ कि अमूर्त चीजें कैसे इमेज बना सकती हैं। पहला तो प्रॉब्लम यह हुआ कि एक आइडिया है, आइडिया एक, तो अलग अलग इमेज क्यों, अलग अलग वस्तुएं क्यों। मनुष्य का आइडिया एक तो एक ही तरह प्रकार का सारा मनुष्य होता, लेकिन ये नहीं हो रहा। एक तो समस्या ये आ गई, एक और समस्या आ रही है, आइडिया है कैसा अमूर्त, अब वस्तुएं कैसा बन रही हैं मूर्त। तो बताओ मुझे अमूर्त आइडिया मूर्त वस्तुएं कैसे बना सकता है, अमूर्त चीजें कैसे इमेज बना सकती हैं। मूर्त होंगी तभी तो मूर्त बनाएंगे ना, अमूर्त से मूर्त कैसे बनेगा, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें किसी मूर्त वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ आइडिया है कैसा, वो तो अमूर्त है। आइडिया है कैसा निरावय, आइडिया है कैसा अमूर्त है, और उसकी छाया जो बन रही है, उसकी जो इमेजेस बन रही, वो कैसी बनेगी, यानी वो बन कैसी रहे, सावय बन जा रही है। एक बात बताओ, ज्योग्राफी का नोट देंगे पॉलिटी कहां से निकल जाएगा, नहीं होना चाहिए ना। जब वो निरावय है तो भी निरावय हो, क्योंकि है तो भाई उसी का फोटोकॉपी, तो वहां पे कैसे सावय हो सकता है, ये भी समस्या। जैसे मान लो देखा होगा गांव में कभी कुम्हार उम्हार के पास तुमने देखा होगा, उसके पास सांचे होते हैं, या कोई चीज वस्तु तुम बनाते हो जो गुजिया वगैरह कहते हो, गुजिया वगैरह फेस्टिवल में बनता है, तो उसके सांचे होती है, उसके अंदर में मैदे की लेयर लगाते हो, डॉब डालते हो, उसके अंदर जो भी फिलिंग करनी है वो डालते हो, सारे पिड़किया, हमारे तरफ पिड़किया बोलते हैं, तो जो गुजिया है उस गुजिया की क्या साइज सबकी बदल जाएगी। अरे सांचा तो एक ही है ना, तो जब सांचा एक है तो उससे जितनी गुजिया बनेंगी सबकी साइज क्या होगी, एक होगी, क्योंकि तुमने तो सांचा यूज कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि हाथ से बेल रहे हो मोमोज बना रहे हो हाथ से, अब तो मशीनें तो मोमोज बनाने वाली भी आ गई, तो सबकी साइज एक हो रही है। मिठाई का पूरा शेप एक हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप एक सांचा यूज कर रहे हो। तो भैया जब सांचा ही यूज कर रहे हो, एक तरह से फोटो कॉपी उसका उसे बना रहे हो, तो सबका साइज एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ साइज तो एक नहीं हो रही। आइडिया तो एक तुमने कह दिया, लेकिन जो वस्तुएं उससे बन रही है, असंख्य जो वस्तुएं बन रही है, वो तो एक नहीं बन रही है। यानी हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको कहा कि देखिए जब हम पार्शियल पार्टिसिपेशन करते हैं, जब हम मानसिक परिवर्तन आंशिक सहभागिता करते हैं, तो उसे समस्या यह है कि आइडिया जब निरावयव है तो सावयव बन जाएगा, आइडिया जब नश्वर है तो वो आइडिया जब अनश्वर है तो वस्तुएं नश्वर बन जाएंगी, तो ये दिक्कत हो गई। तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया, पूर्ण सहभागिता कर दिए। जब तुमने पूर्ण सहभागिता कर दिया तो फिर समस्या क्या उत्पन्न हुआ, पूर्ण सहभागिता में, पूर्ण सहभागिता का मतलब हुआ कि एक आइडिया तो एक ही वस्तु में बननी चाहिए,
आज जब एक आइडिया है तो एक ही वस्तुएं बननी चाहिए, तो फिर वस्तुएं हमें असंख्य क्यों दिखती हैं? तो फिर आगे कॉपी थ्योरी पे, कॉपी थ्योरी में कहे कि फोटोकॉपी के जैसा है एक साचा है, उसे बहुत सारी वस्तु निकले, जो जैसा जड़ पदार्थ डालोगे जैसा आइडिया होगा वैसा निकलेगा। तो फिर कहा ठीक है, हम मान लेते हैं कि आइडिया एक है, उसे बहुत सारी वस्तुएं बन गई, लेकिन भाई सारी वस्तुएं अलग अलग क्यों दिख रही हैं? एक ही तरह का दिखना चाहिए, ये भी तो नहीं हो रहा। जब मनुष्यत्व का आइडिया एक है तो सारे मनुष्य एक जैसे होने चाहिए, एक जैसा तो नहीं हो रहा कि मनुष्यों में विविधताएं दिख रही। गाय का आइडिया जब एक है तो सारी गायें एक जैसी दिखनी चाहिए, जब पहाड़ का आइडिया एक है तो सारे पहाड़ एक जैसे दिखने चाहिए, ये भी तो नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब हुआ, ये जो प्रतिलिपि सिद्धांत दिया, जो फोटोकॉपी का जो बात करते हो, कॉपी थ्योरी की बात कर रहे हो प्लेटो का, ये भी सिद्धांत तक संगत नहीं। अब बताइए यहां तक किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया? कंप्लीट है सर, आ गया समझ में पूरा। बस एक चीज बताइएगा, तो फिर जो प्रत्यय जगत है फिर वो इंद्रिय जगत से कैसे जुड़ेगा? ये तो खंडन हो गया उसकी दोनों बातों का है? अभी कहा हमने, ये थोड़ी ना कहा है कि प्लेटो हार मानने वाला। अच्छा, अभी तो प्लेटो, अभी तो कहानी शुरू हो रही है, अभी तो पटरी पे आ रही है गाड़ी, अभी तो पूरी जानी है इसको, एस्टिमेशन तक पहुंचना। ठीक है, और दर्शन में कोई किसी का भी दर्शन अक्षुण्य नहीं है विसंगतियों से, कमियां तो है, कमियां होंगी तभी तो दूसरा आकर के उसकी कमियों को दूर करेगा और अपनी बात रखेगा, फिर उसमें कोई कमियां निकलेंगे तो तीसरा एंट्री करेगा। तो जब ये बात आई तो अब यहाँ पे एक और सिद्धांत लेकर के प्लेटो आता है, यही बाजी नहीं मारता प्लेटो, प्लेटो यहाँ पे शांत नहीं बैठता। जब इसमें भी लोगों ने कमियां आप निकालोगे तो इसके बाद आएगा और वो बात करता है अव्यक्तिवाद का। तीसरा जो सिद्धांत प्लेटो देता है, प्लेटो के जो पढ़ोगे उसमें तुम पढ़ोगे अव्यक्तिवाद, यानी प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया सीधे सीधे नहीं दिया है, ठीक है, ये सीधे सीधे कहीं पे दिया नहीं है प्लेटो ने, इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। जैसे इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, कोशिश करना समझने का। मान लो यदि हम तुमको ये बात एक स्टेटमेंट बताएं कि एक समुद्र है, ठीक है, एक ओशन है, समुद्र है, समुद्र तो देखे होगा ना, कभी तो गोवा हुआ गए होगे, ठीक है, तो समुद्र है, मैप वगैरह पढ़ते हो, समुद्र अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? यदि समुद्र को, ओशन को, सी को एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेगा बताओ? तुम लोग अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हो ना, गुस्सा करके, चिल्ला करके, हंस करके, अपने लहरों से, लहरों से, यानी जो समुद्र है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा लहरों के माध्यम से। लहरें कैसी बनती हैं? असंख्य बनती है ना, समुद्र के किनारे बैठे हुए तो देखते होंगे दीवार से लहरें, सीसोर के तरफ लहरें आती, असंख्य लहरें होती हैं, लहरें उत्पन्न होती और नष्ट भी होती हैं, ये भी होता है कि नहीं होता है? लहरें उत्पन्न भी होती हैं और नष्ट भी होती हैं। कहता है वो कि देखो समुद्र और लहरों के बीच में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध वस्तुओं और आइडिया के बीच में है। जैसे समुद्र अपने आप को लहरों के माध्यम से क्या करता है, व्यक्त करता है, उसी प्रकार एक प्रत्यय अपने आप को वस्तुओं में प्रकट करता है। इसका मतलब है कि वस्तुएं प्रत्ययों की क्या है, अभिव्यक्ति है। अरे लहरें खत्म होती, समुद्र थोड़े ना खत्म होता है, लहरें उत्पन्न होती है, खत्म होती है, समुद्र तो खत्म नहीं हो रहा। तो आइडिया अपने आप को जो अभिव्यक्त करता है, अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है किसके माध्यम से करता है,
वस्तुओं के माध्यम से। इसका मतलब हुआ कि वस्तुएं कुछ और नहीं प्रत्यय की अभिव्यक्ति, ठीक है। जैसे तुम कहते हो ना कि फ्रीडम ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की बात करते हो, फ्रीडम की बात करते हो, उसका एसेंस किस में होता है कि भाई तुम्हें खाने पीने की आजादी हो, घूमने की आजादी हो, तभी तो फ्रीडम को एक्सप्रेस करोगे। कैसे एक्सप्रेस करोगे फ्रीडम को? फ्रीडम का जो एसेंस है, जो सार है, उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? बोलने की आजादी हो, घूमने की आजादी हो, खाने पीने की आजादी हो, धर्म संप्रदाय को मानने की आजादी हो, लिखने की आजादी हो, हर इस चीज की आजादी है, तो हम कहेंगे कि हमारा फ्रीडम है, है? यानी जब तुम कहते हो कि हमें जब फ्रीडम मिला है तो फ्रीडम किस सेंस में? तो जो जो तुम्हारा संविधान निर्धारित करता है उसको बोलते हो कि हमारे फ्रीडम है। ठीक उसी प्रकार प्लेटो कहना चाहता है कि आइडिया एक है, उससे उत्पन्न होने वाली वस्तुएं ढेर सारी है, यानी अव्यक्तिवाद वह सिद्धांत है, ठीक है। अव्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जिसमें प्लेटो कह रहा है कि आइडिया एक मूल इकाई है, आइडिया एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और यही प्रत्यय अपने आप को क्या कर रहा है? यही प्रत्यय अपने आप को अनेक वस्तुओं में प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन फिर वही सवाल, तो क्या सर ये सर सिद्धांत सही है? ये सिद्धांत में भी समस्या है, समस्या हर जगह निकलेगी, तो अभिव्यक्ति बाद इसमें भी समस्या है। कैसे समस्या है वो देखो। मान लो, सपोज करो, मैं थोड़ा पेन चेंज कर दूं। मान लो सपोज करो कि तुमने कहा कि भाई ऐसा है कि कोई, मान लो एक मूल इकाई है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो कहाँ होनी चाहिए? देश काल में, किसी देश काल में ही बनेगा समुद्र की लहरें। जबकि बताओ प्लेटो का जो आइडिया वो देश काल से परे है, ठीक है। तो प्लेटो का आइडिया देश काल से परे है और ये अभिव्यक्ति कहाँ हो रही है? अभिव्यक्ति हो रही है देश काल में। कैसे संभव है भाई? आइडिया रहे देश काल से परे, अभिव्यक्ति हो रही है देश काल में, यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जगत और वस्तु के बीच में तीन तरीके से संबंध बनाने की कोशिश की। पहला सहभागिता सिद्धांत, उसमें हमने देखा आंशिक सिद्धांत और पूर्ण सहभागिता सिद्धांत, फिर हमने देखा प्रतिलिपि सिद्धांत और फिर हमने देखा अभिव्यक्ति सिद्धांत। और ये तीनों के तीनों सिद्धांत कैसा है? तीनों के सिद्धांत तक संगत नहीं, तीनों में कमियां। यदि मैं सवाल ये तुम लोगों से पूछूं कि मुझे बताओ कि प्लेटो ने जगत और वस्तुओं के संबंध निर्धारण में जिन सिद्धांतों की बात की है, क्या वह सिद्धांत तक संगत हैं? ये सवाल मैं पूछ लू, उसमें ये तीनों को लिखो, इनकी कमियों को लिखो और अंत में कंक्लूजन लिखो कि प्लेटो ने जिस प्रकार जगत और वस्तुओं के संबंध निर्धारण के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए हैं वो तक संगत प्रतीत नहीं होते, तब जाकर के यहाँ पे कहानी बनी। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है? सर ये जो लास्ट वाली जो समस्या बताई थी अभिव्यक्ति के सिद्धांत वाली, उसकी एक बार फिर से बता दीजिए। देखो लास्ट वाले में मैंने ये कहा कि प्लेटो का आइडिया रहता कहाँ है? परलोक, प्रत्यय लोक में ना, देश काल से परे है ना, क्योंकि देश काल में डाल दोगी तो नश्वर हो जाएगा, उसको तो हमें अनश्वर बनाना है। जब उसे हमें अनश्वर बनाना तो देश काल से परे ही रखना पड़ेगा। जब तुम उसको देश काल से परे रखोगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? उसका अभिव्यक्ति कहाँ करा रही हो? तुम तो देश काल में करा रहे हो, वस्तुएं तो देश काल में दिख रही है। तो जब वो देश काल से परे है तो देश काल में अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? ये समस्या है। क्लियर जी सर? ठीक तो ठीक है, फिर आगे का क्लास में हम लोग देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखो फटाफट और बताना मुझे कि जो मैंने कहा कि बस जगत प्रत्यय किस प्रकार, उसका जो वस्तु और जगत, जगत यानी प्रत्यय और वस्तुओं के बीच में जो संबंध निर्धारण का प्रयास करता वो तो कहाँ तक तर्संगत है, इस पे एक आप लिख करके हमें आंसर्स ग्रुप में सेंड कीजिए, बाकी हम आगे के क्लास में आगे देखते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट तो नहीं है?
नहीं सर। यहाँ तो कुछ देख लो, कुछ कहीं पे कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो चलिए फिर, कोई नहीं, अगले क्लास में यदि कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो बाकी का हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी सर।